एक दिन भगवान ने कहा सभी ग्वाल बालों से, क्वचित बनाशाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान। ग्वाल बालो, आज सब लोग अपने अपने घर से बाल भोग ले लो और जंगल में बाल भोग करेंगे, घर में खा के नहीं चलेंगे। बाल भोग, बाल भोग कितना सुंदर शब्द है, ये साधुओं का शब्द है। बाल भोग माने ब्रेकफास्ट, बाल भोग। तो महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा बच्चों से, ग्वाल बालों से, आज बाल भोग हम लोग जंगल में करेंगे, घर से लेके चलो। सब लोग घर से ले लिए, गए जंगल में, खेलने लग गए बड़े प्रेम से। कोई मोर के जैसे बोलता है, कोई हंस के जैसे चलता है, कोई कोयल के जैसे स्वर निकालता है। उसी समय अघासुर नाम का एक दैत्य, जिसको कंस ने भेजा, आ गया। वो इनके आनंद की लीला को देख करके चिढ़ने लग गया। अघ माने होता है पाप। दूसरे के सुख को देख करके कौन चिढ़ता है? जिसके मन में पाप होता है। अघासुर माने जो दूसरे की उन्नति को देख करके चिढ़े, जो दूसरे के सुख को देख करके चिढ़े, उसका नाम होता है अघासुर। और जब वो चिढ़ता है तो सामने वाले के सुख सुविधा को बिगाड़ने का प्रयास करता है। अघासुर ने वही किया, विशाल अजगर बन करके बैठ गया। ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गुफा है, उसके दांत पहाड़ के श्रृंग के जैसे दिखाई दे रहे, उसकी जीभ रास्ते के जैसे दिखाई दे रही, उसका खुला हुआ मुख पहाड़ की गुफा जैसा दिखाई दे रहा है। सारे ग्वाल बालों ने कहा इतनी सुंदर गुफा, चलो देख के आते। दूसरे ने कहा ये गुफा अजगर की आकृति की है, कहीं कोई धोखा तो नहीं। तीसरे ने कहा धोखा भी होगा तो कन्हैया हमारे साथ है, चिंता किस बात की, कितना भरोसा था। ताली बजाते हुए जानबूझ करके अघासुर के मुख में प्रवेश करके कन्हैया ने देखा, मेरे ऊपर इतना भरोसा, मेरे कारण ये लोग जानबूझ के मौत के मुख में चले गए। भगवान कृष्ण तुरंत दौड़े और वो भी अघासुर के मुख में जाके प्रवेश कर गए, अपने श्री विग्रह को बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया कि उसका जो खुला हुआ मुख था बंद होने लायक ही नहीं रहा, वो वहीं का वहीं रुक गया। अब महाराज इतना बढ़ाया कि उसकी श्वासोच्छ्वास रुक गया, सांस आना जाना बंद हो गया। अब वो लगा छटपटाने, छटपटा करके उसका ब्रह्मरंध्र टूट गया, ब्रह्मरंध्र से उसका जीवात्मा बाहर निकला। अघासुर का एक दिव्य ज्योति आकाश में भगवान कृष्ण के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान कृष्ण, जैसे उसका मस्तक फट गया, भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा बाहर निकलो। बोले हम लोग गुफा देखने जा रहे हैं। अरे गुफा नहीं है, अजगर है, खा जाता, अभी बाहर निकलो। बाहर निकाला, स्वयं बाहर निकले, और जब स्वयं बाहर निकले तो अघासुर की दिव्य ज्योति भगवान के श्री विग्रह में समा जाती है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ, अघासुर को ये मुक्ति कैसे मिल गई, भगवान में समा गया, कौन सा ऐसा कर्म किया? सुखदेव जी ने कहा राजन, जीवन के अंतिम समय में भगवान की मनोमयी मूर्ति अगर हृदय में आ जाए, मनोमयी माने मानसिक चिंतन वाली मूर्ति, मानसिक चिंतन वाला स्वरूप, अगर वो हृदय में आ जाए तो भी व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इसके तो जीवन के अंतिम समय में साक्षात श्री कृष्ण ही इसके अंदर चले गए थे, फिर इसकी मुक्ति में कहाँ से बाधा होगी। हाँ, ये है भगवान कृष्ण के लीलाओं का प्रभाव, वो मुक्त हो गया। आकाश में देवता लोग धुंध भी बजाने लग गए, फूलों की वर्षा करने, बड़ा शक्तिशाली था, बड़े प्रसन्न हुए।